नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर के आई हूँ आपके सवालों के ढेर सारे जवाब। कोशिश करूंगी जितने ज्यादा सवालों के जवाब दे सकूं उतने सवालों के जवाब मैं दूंगी। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, आज मैंने देखा कमेंट बॉक्स में जो नई चैनल ये बिना भदौरिया चैनल के अंदर एक शख्स है जिसने लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में वीना भदौरिया एस्ट्रोलॉजर, और उसने अपना एक फ्रॉड नंबर दे रखा है और उसने ये लिखा है कि 800 रुपया फीस है और ये ही वीना भदौरिया का नंबर है और जो भी आपको पेमेंट करना है पेटीएम वगैरह का नंबर भी यही है। इस टाइप से उसने उसमें एक्सप्लेन करके रखा है। हमारे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर ने इसका कमेंट बॉक्स में उल्लेख किया था कि ऐसा नंबर एक व्यक्ति के चैनल पर डाल रहा है। उसको देखने के बाद ही मैंने इसको फाइंड आउट किया कि सच में एक फ्रॉड व्यक्ति इस टाइप से नंबर अपने डाल रहा है। तो मैं आप सबको सावधान कर दूं कि मेरा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ना ही इस टाइप से वीना भदौरिया एस्ट्रोलॉजर नाम की मैं कोई कमेंट मैंने डाली है, ना अपना कोई ऐसा नंबर दे रही हूं। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है दोस्तों, जो निःशुल्क सेवा में पड़ा हुआ है अननोन वर्ल्ड वीना भदौरिया चैनल में 6355750934। इसके सिवाय मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं कोई नंबर किसी को देती ही नहीं हूं। यदि कोई भी नंबर आपके पास आ रहा है इसके सिवाय, तो आप समझ जाइए वो व्यक्ति फ्रॉड है। उससे किसी भी तरीके का आप यदि कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, इसके सिवाय भी काफी व्यक्ति हमारे इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं और अपने अपने नंबर डाल रहे हैं और वे यही कहते हैं कि ये नंबर मेरा है और उनके जो नंबर से उन पर कॉन्टेक्ट करके आपकी मेरे से बात हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये सारे ही व्यक्ति फ्रॉड है, इनसे सावधान रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है संचिता दास का। 1 घंटे पहले ही इन्होंने पूछा है, मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, प्लीज कोई इजी उपाय बताएं कि मेरी जॉब जल्दी स्टार्ट हो जाए, प्लीज प्लीज। जॉब के लिए दोस्तों मैं हमेशा मैं एक उपाय बहुत ही अच्छा बताती हूँ। वैसे तो ढेर सारे उपाय मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, लेकिन जॉब के लिए हमेशा मैं हर व्यक्ति को बहुत ही अच्छा ये उपाय बताती हूँ कि रवि पुष्य नक्षत्र में आप मदार की जड़ को धारण करें सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित करके, और सूर्य देव को जल चढ़ाए हल्दी डाल करके, जल में हल्दी डालें, गुड़हल का एक फूल लें और उसे आप सूर्य देव को अर्पित करें, आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाएगी। फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है यदि आपको, तो इसके लिए दोस्तों आप शुक्रवार के दिन जो भी मैंने वीडियोस में माता लक्ष्मी की पूजाएं बताई हैं, आप उन पूजाओं को करो। शुक्रवार के दिन आप अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करें, शाम के समय माता लक्ष्मी के आगे घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, गुलाब का फूल उन्हें अर्पित करें, और दोस्तों आपको करना है श्री सूक्त का पाठ, दूध की मिठाई उन्हें अर्पित करें। पैसों की दोस्तों आपको कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। दूसरा सवाल है दोस्तों दीप गुरदीप का। ये पूछ रहे हैं, गुरु माँ मेरा प्यार वन साइड है, प्लीज कुछ उपाय बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज। यदि आपका प्यार वन साइड है, आप एक काम करें, मंगलवार के दिन आप 2 लहसुन ले लें बिना छिले, लहसुन की कलियां लेनी है आपको, 2 आप लौंग ले लें, काले धागे में आप इन्हें पिरो लें, माला जैसी बना लें, आप इस गांठे लगा करके माला बना लें जैसे आप फूलों की बनाते हैं, और सुबह सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले पहले आप इस माला को लेकर के जाएं और ले जा करके आपको इसे नीम के पेड़ में टांग देना है, और ये सब कुछ करने से पहले माला बना करके आपको उसको अपने राइट हैंड में रखना है और उसको लेफ्ट हैंड से ढक करके आपको ये मंत्र बोलना है, ओम एम अमुकम ह्रीम स्वाहा। 108 बार आप इस मंत्र को बोल लें और सूर्योदय के पहले पहले इस माला को आप नीम के पेड़ में टांग दें।
आपका प्यार खुश हो जाएगा। इसके सिवाय भी आज मैंने एक और भी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे देख लें, पानी पीने वाली। 7 बार सामने वाले का नाम लेकर के आपको पानी पीना है, आप देखेंगे आपका प्यार आपके पास बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो अगला सवाल दोस्तों हम देखते हैं, तो वीना नागपाल का 3 घंटे पहले इन्होंने पूछा है, काला जादू हमारे घर में है, कैसे भगाया जाए आप बताएं। यदि काला जादू आपके घर में कर दिया गया है तो इसके लिए इसके पहले भी मैंने काफी उपाय बता रखे हैं कि आपको शाम के समय अपनी चौखट पर तिल के तेल का दिया जलाना है। आपको अपने घर में एवरीडे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के सामने आपको चमेली का तेल और तिल के तेल का मिक्स दिया, मतलब तिल का तेल और चमेली के तेल को मिक्स करके उसका दिया लगाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उस समय जो पानी आप भगवान पर चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उस जल को पूरे घर में छाटें और हर मेंबर को पीना है। तिल के तेल का दिया लगाना है। और एक और उपाय, पीली सरसों, आप अपनी कुल देवी के आगे दिया जलाएं तिल के तेल का, उसमें बाती बनाएं कलावे की और उसमें आपको डालना है पीली सरसों। 21 दिन तक कंटिन्यू इस दिए को आप अपनी कुल देवी के आगे जलाएं, रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी काला जादू किया गया है वो जल्दी से जल्दी दूर हो, बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी आपकी परेशानी से। और अगला सवाल है दोस्तों आशा रानी का, नमस्कार मैम, मेरा नाम आशा है मैम, मेरा हैंडलूम का बिजनेस है जो कुछ खास नहीं चल रहा, और मैम मेरी शादी को 5 साल हो गए और कोई संतान भी नहीं है, प्लीज मुझे दोनों के लिए कोई उपाय बताएं। बिजनेस के लिए मैंने पहले भी ढेर सारे उपाय बताए हैं, तो आशा जी एक बार आप चैनल की विजिट अवश्य ही लें, आपको चैनल के अंदर एक से बढ़कर एक उपाय मिल जाएंगे, जिन उपायों को फॉलो करके आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलने लग जाएगा। वैसे एक साधारण सा उपाय एक और मैं बता दूं आपको, कि आपको रविवार के दिन बरगद की शिखा, बरगद की जड़ लेकर के आनी है और उसे आपको अभिमंत्रित कर लेना है इस मंत्र से, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, 101 मंत्र आपको बोलने हैं और इस जड़ को आपको अभिमंत्रित करके लाल कपड़े में रैप करके जहां भी आपका बिजनेस है वहां आप रख दें, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगा। दूसरा जो सवाल था आपका संतान के लिए, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि एक बार आप डॉक्टर को अवश्य ही बताएं और उसके बाद आप फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ को अपने घर में लेकर के आए, ला करके उसे रख लें और उसे पीस करके दूध के साथ मिक्स करके पीना शुरू कर दें, संतान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। अगला सवाल है दोस्तों लव बख्शी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं, राधे राधे दीदी जी, आपने दिया जलाने के लिए बोला था आटा और उर्द की दाल का, व्हाइट उर्द की दाल लेना है या साबुत उर्द ब्लैक वाली। तो लव बख्शी जी, इसमें आपको लेना है ब्लैक वाली काली दाल, इसका आपको आटा लेना है और दूसरा गेहूं का आटा लेना है। अगला सवाल है दोस्तों बरखा बैद का, ये पूछ रही है, मैम मेरी सास मेरे हस्बैंड पे शमशान वशीकरण करवाया है, मैं क्या करूं, आप मेरे सवाल का कभी भी रिप्लाई नहीं देते हो, आपका फोन हमेशा स्विच ऑफ आता है, फोन हमेशा स्विच ऑफ नहीं आता है, कभी कभी जो माहौल है उसके हिसाब से नेट नहीं पकड़ता होगा, अदरवाइज हमेशा फोन स्विच ऑफ नहीं आता है। रही सास की बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई शमशान वाला वशीकरण करवाया है, इसके लिए आप जितनी ज्यादा हो सके, जो मैंने अगले प्रश्न के उत्तर में बताया है, जो हनुमान जी की पूजा, आप उस तरीके से हनुमान जी की पूजा करें, घर में उनके नाम का जल छाटें, तिल के तेल का दिया लगाने लग जाएं। इसके सिवाय जितना ज्यादा हो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके खुद भी पिए, घर में छाटें, आपके पति को भी वही दें
और आपके हॉल में कबूतर का पंख इस टाइप से लगाएं जो आपकी सास को दिखता रहे, जिससे आपकी सास आप पर प्रसन्न रहेंगी और उठपटांग काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और रिप्लाई देने की बात रही तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब देने की, लेकिन सवाल इतने ज्यादा होते हैं कि सभी के जवाब दे पाना असंभव है। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। दीपक खुराना जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात समझाई आपने, थैंक्स। ये इन्होंने कहा है, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे, इस वीडियो की कमेंट में डाला है। तो थैंक यू दीपक खुराना जी कि आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी। अगला सवाल है नीतू चौबे जी का, ये कह रही है, जय श्री कृष्ण, एडवाइस के लिए धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हर एक इंसान, चाहे मैं हूं या कोई और हो, इसका पालन करना चाहिए। आपने बहुत सही कहा, धन्यवाद। धन्यवाद नीतू जी, आपको मेरी बात अच्छी लगी। अगला सवाल है शीतल तिवारी जी का, मुझे घर लेना है प्लीज मैम, पर नहीं ले पा रही हूँ। घर के लिए, मिलकत के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप जितना ज्यादा हो मंगल देव की पूजा करें, लाल गाय को मंगलवार के दिन 12 बजे से पहले पहले गेहूं की रोटी के ऊपर गुड़ रखें, गुड़ के ऊपर थोड़ा सा घी डालें और गाय को खिलाना शुरू कर दें। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का मंगलवार के दिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप जाप करें। पूजा स्थान में लाल वस्त्र पहन करके बैठे और इस मंत्र की जितनी ज्यादा आप माला का जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा आप जाप करें, बहुत जल्दी आपका मकान हो जाएगा, ठीक है। राखी राखी ये कहती हैं, दीदी आपने क्या बातें बताई है, बिल्कुल माइंड चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो आपने मुझे ही टारगेट करके बनाया हो। आई लव यू दीदी, आई लव यू टू राखी जी, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। बाबूलाल ये कहते हैं, भवानी साहिबा जय माता जी, समय के अनुकूल आपके विचार अच्छे लगे, सफल वही है जो समय पर बदलाव करे, जय श्री राम आपका सेवक। थैंक यू वेरी मच बाबूलाल जी कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे। विकास सेंगर जी कह रहे हैं, आई लव यू टू विकास सेंगर। श्याम सेंगर नमस्कार, ये बात का हम गौर करेंगे, थैंक यू। अंजलि अंजलि जी कहती हैं, मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए बताएं। जॉब के लिए मैंने ढेर सारी वीडियोस डाल रखी हैं चैनल पर, आप एक बार जाए और जरूर देखें। ढेर सारे उपाय मैंने बता करके रखे हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही जॉब आपको मिल जाएगी, नौकरी पक्की, नौकरी लग ही जाएगी। ये है टाइटल्स मेरे वीडियो के, आप इन्हें जरूर देखें। और गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसके लिए आप सूर्य देव की पूजा करना शुरू कर दें, जल में हल्दी डाल करके, और काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी अवश्य ही खिलाएं, गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाएगी। अगला सवाल है अलोनी सेल्फ का, प्रणाम दीदी जी, मैंने पहले अपनी परेशानी शेयर की हूँ और कोई कोई उपाय भी कर रही हूँ, पर अभी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई है। मनी प्रॉब्लम के साथ साथ सारे प्रॉब्लम है, और कल एक नंबर से कॉल आया जो आपके नाम से बात कर रहा था बट मैंने इग्नोर किया है, वो नंबर है, आप भी दोस्तों बहुत ध्यान से इस नंबर को देख लेना, सुन लेना, 9610460523। क्या ये आपका ही आदमी का नंबर है दीदी? वो बोल रहा था कि वो आपका आदमी है। मैंने अपने कमेंट में एक बार अपना नंबर सेंड की थी कि आप मुझे कॉल कीजिए। प्रणाम दीदी। अलोनी जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोग ही हैं जो दूसरे लोगों को अलर्ट करते हैं, चैनल की भी आपने काफी मदद की इस इंसान को इग्नोर करके और इसका नंबर कमेंट बॉक्स में डाल करके। इस व्यक्ति से आपकी ये कमेंट देखने के बाद ही मैंने तुरंत इससे बात की है, ये व्यक्ति बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल ही फ्रॉड है, ये लोगों को मेरे नाम से लूट रहा है। आप भी इससे सावधान रहें, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस नंबर को आप ध्यान रखें, क्योंकि अब ये व्यक्ति इस नंबर से नहीं किसी और नंबर से
अपने कमेंट बॉक्स में ये अपने कमेंट लिखेगा और आपको कहेगा कि ये मेरा नंबर है, तो आप सावधान रहे, बिकॉज मेरा एक ही नंबर है जो मैंने अननोन वर्ल्ड वीना भदौरिया चैनल में डाला है। वीना भदौरिया चैनल के अंदर अभी तक मैंने कोई भी अपना नंबर इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही मैं अपना नंबर इस तरीके से देती हूँ किसी को भी। मेरा नंबर है दोस्तों 6355705934। बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लेना। रही बात पैसों की, तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, श्री सूक्त का पाठ करें, शाम के समय माता लक्ष्मी के सामने दिया बत्ती लगाएं, गाय के घी का दिया लगाएं, गुलाब का पुष्प चढ़ाएं और दूध की बनी मिठाई चढ़ाएं। पैसों की आपको कोई तंगी कभी भी नहीं रहेगी, आजीवन कभी भी नहीं। अगला प्रश्न है, सुपो जोशी की प्रॉब्लम है, फिर भी दीदी रिलेशन टूट ही जाते हैं। सही बात है, कितनी बार ऐसा होता है कि रिलेशन टूट ही जाते हैं। रिलेशन ना टूटे, इसके लिए आपके लिए मैं ढेर सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ वशीकरण की। जैसे कि यदि घर की कोई प्रॉब्लम है तो आप चाय से, दूध से, कॉफी से उनका वशीकरण कर सकते हैं। माता गायत्री के मंत्र की मैंने एक वीडियो डाली थी कि सामने वाले का दिमाग पलट जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार देखें और आप उपाय करें, वही उपाय करें जो मैंने वीडियो में बताया है, गायत्री मंत्र करके किस टाइप से आप सामने वाले के दिमाग को अपनी तरफ ला सकते हैं। और उसके सिवाय इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, जिसमें मैंने, जिसका टाइटल है लोग पीछे पीछे घूमेंगे, और सारी क्वालिटीज को फॉलो करने की कोशिश अवश्य ही करना, ठीक है। राधा शुक्ला जी कह रही है, वो मैंने आपको पूछा था कि प्याज के रस से जो यंत्र बनाना है उसमें किस चीज से प्याज के रस से लिखें, प्लीज बताएं मैम। किसी भी चीज से आप लिख सकते हैं, किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता नहीं है राधा जी, ठीक है। राधा शुक्ला जी, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अगला सवाल है सुशांत कुमार दास जी का, मैम प्लीज बताएंगे कि सिंदूर से शत्रु का नाम नींबू पर लिखना है। हाँ जी, नींबू पर शत्रु का नाम सिंदूर से ही लिखना है। अगला सवाल है अखिलेश कुमार जी का, मैडम जो आप ताले वाला टोटका बताया है उसमें उसी ताले का दोबारा उपयोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप एक बार ताला लगा करके चले जाते हैं कोर्ट में, उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो उस ताले को आपको खोल लेना है और जहां आप घर में लगाते हैं वहीं पर लगा दें, और जो पानी है उसे आपको बाहर फेंक देना है। अगली बार जब आपकी तारीख पड़ती है, आपको कोर्ट में जाना होता है, तब उसी ताले का आप दूसरी बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के सवालों के जवाब, जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं दे पा रही थी मैंने देने की कोशिश की है। इसके आगे भी दोस्तों Q&A वीडियोस अपलोड करती रहूंगी ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल सके। तो देखते रहे दोस्तों, खुश रहे, श्री कृष्ण।